नमस्कार दोस्तों, हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2019 परिणाम से संबंधित नया नोटिस रिलीज किया गया है। अगर आप हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 भी किसी भी का एग्जाम दिए थे तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रोज आपके लिए एजुकेशन व जॉब से संबंधित खबरें आती रहती है जो कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित जरूर होती है। आपको लेके चलता हूँ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ही स्टेट करवाता है, आप सभी जानते हैं। आपको लेके चलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप देख सकते हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आपको लेके आया हूँ, जो कि www.bsch.org.in है। आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है और नीचे जैसे ही आप स्लाइड करेंगे फर्स्ट में ही आपको देखने को मिल जाएगा पब्लिश नोटिस। कोई बायोमेट्रिक जो आपको करवाना है स्टेट एग्जाम नवंबर 2019, ठीक है। जैसे इस पर ओके करेंगे तो नया नोटिस आपके सामने होगा, ठीक है। इसमें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रेस नोट दिखाया गया है कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा ली गई थी 16-17 नवंबर को, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि आपको 22 जिलों में ये परीक्षा केंद्र बनाए गए, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए बनाए गए हैं। आप 30 तारीख से 2 तारीख के बीच का भी अपने अपने जिलों में जाकर के अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा लें, अन्यथा आपका रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आप इस पूरी खबर का विस्तार से पढ़ लीजिएगा। और आपका 1 तारीख को अनुमान लगाया जा रहा था कि एक तारीख को रिजल्ट आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 1 तारीख को रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा, आपका रिजल्ट 5 तारीख के लगभग आ सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेक्रेटरी द्वारा सिग्नेचर किए हुए हैं, और ये नोटिस को पूरा विस्तार से पढ़ लीजिएगा। वीडियो यहाँ तक देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे। शेयर और लाइक जरूर करें वीडियो को। धन्यवाद।